हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तबीयत तो यार ऐसी हो रही है, बट आज आकांक्षा जा रही है देहरादून। उसका कल वहाँ पे एक काम है, एक टेस्ट है, इंटरव्यू वगैरह है। तो आकांक्षा इज हियर, तो मैं उसको ड्रॉप करने जा रही हूँ हल्द्वानी। साथ में दीदी जी अजी भी जा रहे हैं। मिल गया? नहीं मिली, छोटी छोटी गला मेरा कैसा हो रहा है ना, जल्दी चलिए फिर चलते हैं। तो जिया जी हमें मिल चुके हैं, मेरे गला तो ऐसे हो रहा है। और जिया जी ने गला थोड़ा खराब चल रहा है। और दीदी गई है दुकान में वाला। और ये जा रही है मैडम देहरादून। निशा मैडम नहीं, आकांक्षा मैडम जा रही है आज देहरादून। और हमारे आप सबको बताना चाहूंगी कि जिया जी ने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है। चैनल का नाम है हमारी पहाड़ी वाटिका। चैनल का पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाइए। और जिया जी का मेन मकसद है चैनल बनाने का पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में। आप आ गई है, काम हो गया, चलो फिर। हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और आकांक्षा की हो चुकी है बस मिस। आकांक्षा आप कैसे जाएगी? हरिद्वार तक जाऊंगी फिर। दीदी लोग गए बैंक में। गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, दीदी के पूरे रिलेटिव्स हैं, आज सब उन लोग के ही जा रहे हैं। और आकांक्षा तो नहीं गई, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अभी हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल के पास आए हैं। मैं थोड़ा ब्लॉग भी कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ, फिर शायद दिख नहीं रहा होगा। हम जहाँ आए हैं उनकी शॉप भी है इस तरीके से, आकांक्षा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, व्लॉग भी क्या करो यार, पता नहीं आप लोग मुझे पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे। तो शक्ल से पहचानोगे, गले से नहीं। तो अभी बस ऑफिस जाना है, नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। आज नैनीताल भी जाना है, तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या रहेगा। कल का व्लॉग तो आपने देखा, तो आए हम लोग रेस्ट करें, फिर व्लॉग में ज़्यादा कर नहीं पाई थी, तो हम आज से शुरू। तो मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से, थोड़ा लेट भी हो ही गया है, बज चुके हैं 12:30 होने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। निकल चुकी हूँ ऑफिस से, चलिए फिर चलते हैं और बने रहिएगा ब्लॉग में यार। ये एक विलेज है, हेड़िया गाँव चक बहेड़ी। यहाँ पे हमारे काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये है। और बहुत जल्दी यहाँ पे रोड बनने वाली है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, नाइस। पर रोड अभी बनेगी तो प्रॉपर लुक आएगा यार। आवाज़ भी नहीं निकल रही भाई। अभी उस लोकेशन से, वहाँ से अभी आएंगी वो लेडी और यहाँ पे नहीं खड़ी करी है गाड़ी। ये भी रोड है पूरा, यहाँ पर हमने मशरूम वगैरह भी डिलीवर किया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके का एक यहाँ पर पूरा व्यू है पूरा। अरे यार कोई नहीं, मैंने मास्क क्यों पहना है, किस तरीके का आप पूरा देख सकते हैं, पूरे मतलब बहुत अच्छा व्यू है यार। ये मुझे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ्लड्स वगैरह आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मतलब पहाड़ों में मज़ा तो आता है। खैर काफ़ी अच्छा लगता है हिल्स में आके ना, मतलब ऐसे अगर आप ऐसे जगह में हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करते हो और अच्छा लगता है। और पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि नेचर के पास आके आप हम सभी को अच्छा लगता है। आई गेस कि कोई ऐसा होगा जिसे अच्छा नहीं लगता होगा यार, सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, बट मुझे अच्छा लग रहा है, पता चैन सा लग रहा है। नीचे से खड़ी चढ़ाई है, ऊपर वहाँ से आना भी तो अपने आप एक टास्क है यार। हर रोज़ ये लेडीज अब खतरों की खिलाड़ी बनती है, हर रोज़। हम तो शायद एक दिन दो दिन जाएंगे, तीन दिन जाएंगे, बट आई गेस वो वहाँ तो मुझे दिखी अभी पिंक साड़ी में। देखिए वो आ रही है, देखिए वो है वो। सो फंक्शन इज़ ओवर और अब मैं पहुँच चुकी हूँ भीमताल और बस घर पहुँचती हूँ। पता भी क्या हुआ, मुझे लगा मैं स्कूटी से हूँ। मैं ये वाला जो रोड है ना, भीमेश्वर महादेव जो रोड जाता है, वहाँ पहुँच गई। सो मैं आ चुकी हूँ घर और काफ़ी टायर्ड आज का दिन। और आकांक्षा यहाँ पर है, आकांक्षा बैठी है, आकांक्षा अपना काम कर रही है, मैंने भी ऑफिस का रिपोर्ट वेट कर दिया है। सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, पहली बार एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसको भी खांसी हो रही है, मुझे भी खांसी हो रही है, करा तो बैठ ही रहा है। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तो ध्यान रखिए, खुश रहिए। कुछ और कहना है? आप भी ध्यान रखिए, आप भी ध्यान रखिए, पता चला। स्टे सेफ।